शराब पीने से मना कर दिए। मैं आपका समर्थन करने के लिए हरियाणा से चलकर आई हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ और मैं यूथ को पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारे ऐसे अभियान मैंने छेड़े हुए हैं जिनके आज देश में जरूरत है। आज उस व्यवस्था की जरूरत है जो व्यवस्था सदियों से जब हम गुलाम थे तब भी हमारे ऊपर लादी गई थी, आज हम स्वतंत्र हैं तब भी हमारे ऊपर लादी गई है। जब हम गुलाम थे तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त सत्ता के ऊपर हमारा अधिकार नहीं था। हम गुलाम थे, हम परतंत्र थे, हमारे ऊपर सत्ता करने वाले कोई और लोग थे। लेकिन आज हमारे ऊपर सत्ताधारी भी हमारे अपने लोग हैं। अगर हमारे ऊपर गोलियां दागी जाती है तो हमारे लोगों द्वारा दागी जाती है। अगर हमें अधिकार मांगना है तो हमने अपने लोगों से ही अधिकार मांगना है, तो अब हमारी लड़ाई डबल हो जाती है। क्योंकि अगर आपको दुश्मन से कुछ मांगना हो तो आपकी रणनीति कुछ और होती है, लेकिन आज हमें अपने लोगों से जब मांगना पड़ता है तो आपकी रणनीति कुछ और होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो सत्ता है, जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं, जो सरकारों में आते हैं, ये बहुत बड़े बड़े एजेंडे पेश करते हैं जब इनको वोट चाहिए होती है। ये कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें महिलाएं इसलिए वोट दे, हमें यूथ इसलिए वोट दे, हमें किसान इसलिए वोट दे कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे और यूथ के लिए ये करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस वक्त एक कानून था जब हम गुलाम थे, वो कानून सबके ऊपर बराबर रूप से लागू होता था। लेकिन आज जो कानून है वो चेहरे देख कर लागू होता है। आज कानून सबके साथ बराबर नहीं काम करता, तो हम गुलाम सब थे कि अब आज हम गुलाम हैं। आज हम अपने स्वतंत्र भारत में हमारी बेटियां, मैं देखती हूँ कि हमारी 200 साल की बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। आज हमारी बेटियां स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि मन चले रास्ते में उनको तंग करते हैं, इसलिए वो बेटियां स्कूल जाना बंद कर देती है, कॉलेज जाना बंद कर देती है। क्यों, क्यों ऐसा हमारे देश में सब क्यों हो रहा है इन बेटियों के साथ? अरे मैं ये कहती हूँ कि हमारे इतिहास गवाह इस बात का कि महिलाओं के साथ हमेशा मान दर्जे का व्यवहार हुआ। अरे द्रौपदी का नाम शायद ही कोई ना जानता हो, सब जानते होंगे, लेकिन उसी द्रौपदी के साथ क्या हुआ? परी सभा में जहाँ भीष्म पितामह बैठे, जहाँ गुरु द्रोण बैठे हैं, जहाँ पूरी भरी सभा है पुरुषों से, और वहाँ एक महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश की जाती है, इतिहास भी महिलाओं के समर्थन में कभी नहीं रहा। माता सीता को इसलिए बाहर छोड़ दिया गया था, इसलिए जाना पड़ा वनवास। क्यों जाना पड़ा? इस मातृशक्ति ने अपने पति के साथ 16 साल तक वनवास काटा, 16 साल वनवास श्री राम को मिला था, सीता को नहीं मिला था, लेकिन वो फिर भी गई अपने पति के साथ धर्म निभाने के लिए। लेकिन किसी ने कुछ कहा और भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। इतिहास कभी भी हमारे समर्थन में नहीं रहा, लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि समाज मात्र सत्तात्मक समाज रहा है। अगर बेटा IAS ऑफिसर बन जाता है तो तनखा अपनी माँ के हाथ में ला के रखता है या अपनी बीवी के हाथ में ला कर रखता है, रखता के नहीं रखता, और खर्चे के पैसे लेता हुआ सर कि मुझे खर्चा दे दो, और उस खर्चे का हिसाब माँ मांगती है चाहे माँ अनपढ़ हो। तो ये समाज मात्र सत्तात्मक समाज है कि पुरुष समाज है? ये मात्र सत्तात्मक समाज है जहाँ माँ को सबसे ऊंचा दर्जा मिला है। अरे गंगा पुत्र जिसके पिता के नाम को जानने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की, गंगा पुत्र, कुंती पुत्र, देवकी नंदन, इतने सारे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनके पिता को जानने की किसी ने कोशिश नहीं की क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। ये मात्र सत्तात्मक समाज रहा है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है जो ऋषि मुनियों का देश है, जो त्यागी तपस्वियों का देश है, जो विश्व गुरु कहलाता है, वहाँ हमारी 2 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, वहाँ हमारी 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है, वहाँ महिलाओं को पीड़ित किया जाता है, घरेलू हिंसा की शिकार हमारी माए बहने इतनी है कि मैं आपको आंकड़े बताना चाहूँ तो शायद समय थोड़ा पड़ जाएगा। इतना सारा आज हमारी महिलाओं का शोषण हो रहा है। आप यहाँ इधर आकर बैठे हैं,
शहीद आजम भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में जान दे दी थी। इसके लिए, इस देश के लिए उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिस देश के लिए मैं मात्र 23 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह ने जब जान दी तो उन्होंने कतई नहीं सोचा था कि इस देश में हमारी मातृशक्ति को इस तरह से धरती पर बैठकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कभी नहीं सोचा था उन्होंने, कभी नहीं सोचा था कि लोगों का पेट भरने वाला अन्नदाता जो किसान है आज अपनी मांग के लिए धरने पर बैठना पड़ता है उसको, और अगर वो धरने पर बैठता है तो उसके ऊपर गोलियां काम की जाती है। अरे इतना तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया। हमारा यूथ, आपने देखा होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर यूथ ने बात की हमारी फीस माफ कर दो तो उनके ऊपर जिस तरह से डंडे मारे गए, उनके सर फोड़े गए, ऐसे हालात कभी भी नहीं हुए। आज जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, आपके पास भी वीडियो आई होगी कि हमारे फौजियों को लात थप्पड़ सूखे मारे जाके। अरे हमारे फौजी, हमारे सैनिक, हमारी शान, हमारा मान सम्मान सब कुछ वो फौजी है। अगर ये झंडा लहराता है, हमारा जो तिरंगा लहराता है, तो उन फौजियों की सांसों से लहराता है, उन फौजियों की धड़कनों से हमारा झंडा लहराता है। लेकिन उन्हीं फौजियों के साथ आज जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, उनको लात थप्पड़ सूखे मारे जा रहे। अगर वो अधिकार की बात करते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। एक हमारे नौजवान ने केवल इतनी आवाज उठाई कि हमें कार अच्छी नहीं मिलती, हमें खाना अच्छा नहीं मिलता, उस फौजी को टर्मिनेट कर दिया गया, उस फौजी को घर भेज दिया गया, और जो उसकी 20 साल की नौकरी थी उसे उसको सब कुछ वंचित कर दिया गया। तो ऐसी सरकारें कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आपका समर्थन इसलिए करने आई हूँ क्योंकि मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, पिछले 15 साल से एक लड़ाई लड़ रही हूँ, किसान की लड़ाई, नौजवान की लड़ाई और फौजियों की लड़ाई। अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर महिला को अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ी तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर किसान का पेट खाली है तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर नौजवान को रोजगार नहीं मिलता तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर फौजी का सम्मान नहीं होता तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये मोदी साहब समझ लें इस बात को, ये जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े बड़े दावे लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, यही सबका साथ है कि मेरी माँ बहन बेटियों को यहाँ सड़कों पर बैठना पड़ता है, क्या यही सबका सम्मान है, सबका विकास नहीं है? ये कुर्सी के लालची लोग हैं, ये कुर्सी के लालची लोग हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है आपसे। इन्होंने अगर 1857 की क्रांति की मैं बात करूँ तो हिंदू और मुस्लिम साथ साथ लड़े थे, साथ साथ लड़े थे या नहीं लड़े थे? अगर मैं आजाद हिंद फौज की बात करूँ, आजाद हिंद फौज में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ लड़े थे, लेकिन इन कुर्सी के लालचियों ने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए। इसके नाम पर, धर्म के नाम पर इन्होंने देश को बांटा, इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बढ़ाया, केवल और केवल धर्म के नाम पर देश को बांटा। आज इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में इतना जहर घोल दिया है, अगर आप कहीं तिल्ली फेंको वहीं आग लग जाएगी। क्या ऐसे देश की कल्पना किसी किसी ने, ऐसे देश की कल्पना किसी ने नहीं की। आज ये लोग हिंदू मुस्लिम से और आगे बढ़ गए हैं, ये आज जातीय स्तर की बात करने लगे हैं, आज ये आपको जातियों में बांटने लगे हैं। कहीं इनको यादव दिखाई देता है, कहीं इनको जाट दिखाई देता है, कहीं इनको ब्राह्मण दिखाई देता है, कहीं इनको गरीब दिखाई देता है। मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए करने आई हूँ क्योंकि मेरे जीवन का एक मिशन है, मैं क्लासनल ऑफिसर हूँ, मुझे मेरे लिए कभी कुछ नहीं चाहिए जीवन में। मेरा पति भी क्लासनल ऑफिसर है, मेरे पास केवल एक बेटी है, उसने भी इंडियन आर्मी में एज ए कैप्टन सेलेक्ट वो हो गई है डॉक्टर। मेरे एक बेटा वो इंजीनियर है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लड़ाई है तो उस देश के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ जिसके पेट में रोटी नहीं जाती जबकि अनाज हमारे देश में है। हमारे देश में किसी चीज की लड़ाई नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। मेरी लड़ाई है तो फौजी के लिए है जिसको हमारे देश में लात थप्पड़ सूखे मारे जा रहे। मैंने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया और मैंने राष्ट्रपति जी को एक बात कही कि राष्ट्रपति जी आप तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, अगर हमारे देश में फौजी के साथ ही इतना अन्याय होगा तो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया क्योंकि अगर मेरी लड़ाई है तो मेरी लड़ाई मेरे लिए नहीं है, उस फौजी के लिए है जहाँ मेरे देश में मेरे लोग मेरे फौजी के ऊपर जो मेरे देश की रक्षा करते हैं उसके ऊपर लात थप्पड़ सूखे मारते हैं, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर लड़ाई है उस यूथ के लिए लड़ाई है। अरे मैं गाँव में जाती हूँ, यूथ नौजवान सड़कों पर बैठकर ताश खेलता है, मैं उनसे पूछा करती हूँ, अरे नौजवान साथियों तुम 65% हो
पास भी नहीं हुआ करता, वो कहते हम काम करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन कोई देश में व्यवस्था नहीं है उस यूथ के लिए। यूथ कहाँ जाएगा? अरे यूथ कहाँ जाएगा? उसको भी सारी सुविधाएं चाहिए, वो भी रक्षा करना चाहता अपनी बहन की, वो भी रक्षा करना चाहता इस देश की, लेकिन उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। हमारे देश में कोई सिस्टम नहीं है। अगर यूथ सारा दिन घूमता है तो सड़कों पर घूमता रहे, उसको रोटी मिलती है तो मिलती रहे, ना मिलती तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ व्यवस्था की लड़ाई, मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ, इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहती हूँ, क्योंकि लंबी लड़ाई 15 साल से लगी हुई हूँ और इस व्यवस्था में केवल परिवर्तन चाहती हूँ। सच्चा परिवर्तन, परिवर्तन से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने भी सोचा था कि अगर मोदी आते हैं तो पता नहीं देश में क्या हो जाएगा। हमने भी ये सोचा था, हमने भी बड़े अरमान जगा लिए थे, हमने भी बड़ी सोच एक बड़ी पैदा कर ली थी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ इन कुर्सी के लालचियों पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ, गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रूप बदल डाल अगर फलना फूलना है तुझे, रूप बदल डाल अगर फलना फूलना है तुझे, उठ मेरी बेटी उठकर चलना है तुझे, उठ मेरी बेटी उठकर चलना है तुझे। अरे मातृशक्ति हो तुम ऐसे पुत्रों को जन्म देती हो, जो आगे से गोली आती है तो बेटा कहता है कि आजा, सीमा में एंटर नहीं करने दूंगा, चाहे आप पार पार गोली कर दे, और वो बेटा सीमा में कदम नहीं रखने देगा। मातृशक्ति हो तुम, तो वो मातृशक्ति हो जो ऐसे ऐसे लाल पैदा करती हो, तुम तो वो मातृशक्ति हो जो दिशा देती हो, तुम वो मातृशक्ति हो जो दिशा निर्धारित करती हो, जो एक डायरेक्शन देती हो समाज को। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगी कि आप लोग संगठित रहे, मजबूत रहे, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश तभी देश रहेगा जब इसमें व्यवस्था परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन से फर्क पड़ने वाला नहीं था, पहले मनमोहन सिंह जी थे, आज मोदी जी हैं, तो तीसरे कुछ और आ जाएंगे। इस देश में जब तक किसानों का राज नहीं होगा, जब तक किसान सत्ता में नहीं आएंगे, जिसने धूप में लावड़ी ना की हो, जिसने कुएं से पानी ना भरा हो, वो उसकी चीजों को जो एक दिक्कत है वो समझ नहीं सकता। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगी, आप संगठित हो जाइए, मजबूत हो जाइए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में आकर यहाँ अपने आंदोलन किया है, और अपने क्योंकि अधिकार कहते हैं कि मांगने से अधिकार नहीं मिला करते, अधिकार तो छीनने पड़ते हैं, तो आपको अधिकार छीनने पड़ेंगे। बस यही अपील करने मैं आप लोगों से आई थी। कहते हैं सुबह सुबह की लड़े से सुबह नहीं होने वाली, सुबह सुबह की लड़े से सुबह नहीं होने वाली, चलो इसी से काम चलाएं, ये तो रात हमारी है। रोज मसीहा कहाँ मिलेंगे सूली पर लटकाने को, रोज मसीहा कहाँ मिलेंगे सूली पर लटकाने को। इस दुनिया की खातिर कुछ अपनी भी जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, वंदे मातरम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।